लेक स्पेस की बात करो तो लेक स्पेस एकदम मस्त है, कंपेरेटिव अपनी जो वरना है इससे गड्डी है सब कुछ काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। इससे अच्छा अपना वाला है क्योंकि इसमें वेन्यू वाला देते हैं वो मेरे को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त हो गए गाइज। अभी तो बजे है कुछ सुबह के 11 एंड आप लोगों को अभी चेकआउट करवाता हूँ। बाहर का वेदर क्या ही खतरनाक हो रहा है आज तो, इस टाइम में तो गर्मी क्या ही मार डालेगी सबको ऐसा लग रहा है। टेम्परेचर देखिए 35 एंड बाहर देखिए अभी 11 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट एंड लगता है कि 2-3 बज चुके हैं दोपहर के गर्मी वाले टाइम के, क्योंकि पहले इतनी गर्मी तो हम लोगों को एकदम मई या जून में लगती थी, इतनी अभी से स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल से। वैसे तो अभी बिगनिंग्स है गाइस, तो आप लोग देखिए मिड ऑफ समर एंड एंड ऑफ समर में क्या ही खतरनाक हालत होने वाली है। और आप लोग कहते हैं कि रोड ट्रिप करो भाई, इसमें जो मैंने रोड ट्रिप किया ना गाइस तो आपका भाई पूरा जल के खाक होके ही आएगा, तो अभी तो कुछ सोच नहीं सकते। बट हाँ, ऐसा कुछ प्लेस चूज करें हम लोग वहाँ पे गर्मी कम हो तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, तो शायद से हम लोग प्लान कर सकते हैं या फिर सोलो में ट्राई करूँगा। बट सोलो तो मेरे को डेफिनेटली, कार में करूँगा तो गोवा ही करूँगा ऑब्वियसली, या फिर मुंबई साइड चला जाऊँगा क्योंकि मेरे को सोलो भी करना है एंड फैमिली के साथ भी करना है ट्रिप्स, तो वो भी हम लोग करेंगे डेफिनेटली गाइस। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बस सपोर्ट करते रहिए गाइस अभी तो, क्योंकि आप सबके लिए इतना मस्त क्रेजी कंटेंट लाने वाला हूँ ना, आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ये बंदा किधर से लेके आया ये सब कुछ, क्योंकि पहले तो इतना एक्टिव था नहीं। बट हाँ गाइस, आप लोगों को काफ़ी क्रेजी कंटेंट देखने को मिलेगा एंड कार के मॉडिफिकेशंस के लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइस। अभी तो हम लोग जाएंगे ह्यूंडई में, क्योंकि ह्यूंडई में अपने पार्थ भाई को कॉल कर रखा है मैंने, क्योंकि अपने को टेस्ट करनी है ह्यूंडई वरना टर्बो वेरिएंट ऑटोमेटिक में। होप सो कि वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाए अपने को, वहाँ पे मैनुअल तो टर्बो में है बट अपनी जान पहचान है सूरत में भी ह्यूंडई में, तो थोड़ी बहुत वो बातचीत करके हम लोगों को मिल जाएगी शायद से अरेंज करके टेस्ट राइड के लिए ऑटोमेटिक में टर्बो वेरिएंट, क्योंकि काफ़ी क्रेजी अब मैंने रिव्यूज़ देखे, लाइक काफ़ी लोग एकदम क्रेजी हो रहा है इसको ड्राइव करने में, क्योंकि कुछ अलग सा ही ड्राइविंग प्रेजेंस आ रहा है टर्बो वेरिएंट का, ऐसा सुनने में आया है। बट अभी भी हम भी ट्राई करके देखते हैं क्योंकि हम भी एक वरना ओनर है तो हमारा हक तो डेफिनेटली बनता ही है वरना चलाने का नई वाली। तो वैसा नॉर्मल नॉर्मल पेट्रोल जो आता है नेचुरल एस्पिरेटेड वो तो भाई ने चला रखा है, बट हाँ टर्बो नहीं चलाया तो वो भी हम लोग ट्राई करते हैं। बट अभी तो जाएंगे हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज में क्योंकि अपने एक भाई को पिक करना है वहाँ से, उसको मैंने कॉल किया तो भाई बोलता है मैं आ जाऊँगा आपके साथ, क्योंकि उसने अपने काम के लिए छुट्टी ले ली, तो वो भी बढ़िया बात है, एक दो दोस्तों ऐसे होने चाहिए। बट हाँ अभी चलते हैं हम लोग उसको पिक करते हैं, देन निकलते हैं सूरत। बट नवसारी क्रॉस करना, इट्स लाइक अभी तो कुछ भी नहीं है, ये नवसारी के जो एंड में होगा ना हल, देखिए ये बंदा, ऐसे लोग मिल जाते हैं तो फिर क्या ही नवसारी, क्या दुनिया भी क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग। बट कोई नहीं, चलते रहते हैं, छोटी मोटी बात है गाइस। अभी तो एग्रीकल्चर में आया हूँ और इसका यहाँ का वेदर देखिए, समर में भी इतना मस्त रहता है ना, एकदम ठंडा ठंडा वेदर, क्योंकि हर जगह पे आप लोगों को ऐसे ट्रीज देखने को मिलती है। ये एग्रीकल्चर लैंड गुजरात की सबसे बड़ी है अपने नवसारी की, तो आप लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लोर करवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस है और काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग की जाती है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा सब कुछ है, लाइक एंड क्लीनिंगनेस तो एक नंबर है। तो नवसारी भी मेरी भी सिटी कुछ आगे ही, आप लोग आओ एक बार नवसारी विजिट करने, तो यू मस्ट ट्राई दिस प्लेस लाइक नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप लोग गूगल भी करोगे तो आप लोगों को सब कुछ इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। बट अभी तो वेट करते हैं उस भाई का, कितनी देर में निकलता है यहाँ से वो देखते हैं। ओके है कुछ 12 ऑलमोस्ट हम लोग का, कुछ 11 बजे निकल चुके थे, तो 1.5 घंटा तो डेफिनेटली हम लोगों को लगता ही लगता है। बट इतना एम्प्टी हाईवे है एंड हम लोग एकदम इकोनॉमी पे ड्राइव कर रहे हैं आज, क्योंकि इंटरसेप्टर खड़ी थी इस साइड पे, शायद से इस साइड से भी हो सकती है, तो इसी कारण हम लोग एकदम स्लो जा रहे हैं। एंड गाइस हाँ, हम लोग अभी बात करते हैं मॉडिफिकेशंस को लेके, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कुछ अलग सा मॉडिफिकेशंस मैं करवाना चाहता हूँ एक्चुअली। बट मैंने ह्यूंडई में भी दे रखा है ऑर्डर अभी ग्रिल का, अपनी जो टर्बो वेरिएंट वाली आती है वो पूरी हम लोग डार्क थीम में रखने वाले हैं अपनी वरना को, एंड इसके ऊपर आप लोगों को एक छोटी छोटी डिटेलिंग देखने को मिलेगी जो अपनी कार को बना देगी वन इन इंडिया, क्योंकि अभी तक एन लाइन वरना किसी ने कन्वर्ट नहीं करी है। कन्वर्टर क्या है, कुछ चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें, लाइक एन लाइन का जो स्टिकरिंग है सब कुछ तो नॉर्मली करवा सकते हैं, बट हाँ जब भी हमारा एलॉय व्हील्स वाला बजट बन गया उस टाइम पे हम लोग एलॉय व्हील्स पे भी इसका जो बेजिंग है वो लगवा देंगे डेफिनेटली। तो 2-3 मॉडिफिकेशंस करके अपनी कार एकदम मस्त क्रेजी हो जाएगी। एंड गाइस गियर नॉब का अभी फोटो आ रहा होगा ऊपर डिस्प्ले पे,
तो वो भी देखना है, वो भी हम लोग शायद से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इनकेस हम लोग कर सकते हैं इंस्टॉल, तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। एन लाइन वाला जो राउंड शेप में आता है वो भी काफी मस्त स्पॉटी लगता है, बट इसके लिए थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि इंटीरियर में चेंजेस करना पड़ेगा, तभी पूरा इसका थीम बैठेगा, अदरवाइज तो यही अच्छा है। बट देखेंगे वो भी। और स्टेयरिंग का भी प्लान था, बट स्टेयरिंग तो बहुत ही एक्सपेंसिव जाता है, एंड स्टेयरिंग निकलवाना कोई वो नहीं बनता सेंस मेरे को नहीं लगता। इधर कुछ एन लाइन वाली बेजिंग करवाएंगे और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को भी पसंद आए एंड कुछ ओवर भी नहीं लगे, ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं। बट होप सो अभी सुन करेंगे हम लोग डेफिनेटली। बट हाँ, एलॉय व्हील्स अभी देखते हैं कौन सा वाला डलवाएंगे हम लोग इन फ्यूचर, बट डलवाएंगे डेफिनेटली लाइक ऑप्शनल या फिर आफ्टर मार्केट, वो तो अभी देखेंगे जब भी अपना बजट बनेगा, क्योंकि अभी तो इतना ज्यादा बजट है नहीं कि हम लोग एलॉय व्हील्स भी अफोर्ड कर पाए। जो नॉर्मल बेसिक सी मॉडिफिकेशंस है लाइक ग्रिल और ये सब कुछ तो हम लोग डेफिनेटली करवाएंगे। अपना सचिन भाई के पास तो सब कुछ काम खत्म हो चुका है, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ह्यूंडई में। एज यू नो, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम लोग ट्राई करने वाले हैं आज टर्बो, और वहाँ पे ऑटोमेटिक तो अवेलेबल है नहीं, बट हाँ मैनुअल टर्बो वरना है, तो उसकी हम लोग टेस्ट राइड लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट राइड नहीं ली थी टर्बो वाला वेरिएंट की। एंड गर्मी की बात कर दो, ये क्या ही पसीना आ रहा है गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी ना, बाहर निकलते ही पिघल जाते हैं, ऐसी सीन है। बट क्या कर सकते हैं, अभी गर्मी तो चलनी पड़ेगी 2-3 महीने और, बट कोई नहीं, पहले चलते ह्यूंडई में। यह आगे ही है जो अपना ह्यूंडई का शोरूम है, और पार्थ को मैंने कॉल करके बोल रखा है कि अपने लिए टेस्ट राइड अरेंज कर रखना, तो कर दिया होगा, क्योंकि जान पहचान वाले होते तो जल्द से जल्द अपना काम भी खत्म हो जाता है एंड टेस्ट राइड भी मिल जाती है। तो कोई नहीं, वहाँ पे लाइसेंस जमा करते हैं, देन हम लोग करते हैं टेस्ट राइड। इस रोड पे देखिए, पूरे शोरूम से शोरूम है, लाइक सभी लग्जरी से लेके नॉर्मल ब्रांड भी मिल जाती है आप लोगों को। देखिए अपनी फेवरेट एंड फ्यूचर कार डिफेंडर, अपना ड्रीम है गाइस इसका भी, बट एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे हम लोग डेफिनेटली। बट पहले चलते हैं अपनी औकात वाली कार में, ह्यूंडई के शोरूम में, जहाँ हम लोग देते हैं टेस्ट राइड। और ये रही किया का शोरूम, बट अपने को जाना है ह्यूंडई में, यहाँ पे ही है आगे, तो चलते हैं ह्यूंडई में। ये रहा अपना एसएक्स वेरिएंट, जो कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसके अंदर हम लोगों को वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती, बट इंटीरियर क्या खुद्दू लगता है, 2 दिन में ख़राब हो जाएगी, ये सब कुछ चेंज करवाना पड़ेगा। और एम्बियंट लाइट काफ़ी मस्त है, तो स्टेयरिंग गाइस इसका देखिए, इससे अच्छा अपना वाला है, क्योंकि इसमें वेन्यू वाला देते हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और गाइस लेग स्पेस की बात करो तो लेग स्पेस एकदम मस्त है, कंपेरेटिव अपनी जो वरना है इससे, देखिए। और इसका आगे वाला कॉकपिट भी पूरा चेंज, काफ़ी मस्त है ये, स्पेस वाइज तो काफ़ी मस्त है, बट ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। यही अपनी टर्बो वेरिएंट, इसकी हम लोग टेस्ट राइड लेने वाला है। और अपना लुक देखिए, टीमा चलावे तो 15 जी ऑटोमेटिक में 10 जावे, के टर्बो जन सिटी में तोड़े, हां नॉर्मल पेट्रोल और लेवल नॉर्मल में नॉर्मल पेट्रोल इंटीरियर नहीं मस्त है, अच्छे वो मान ले, वो मान ले 70 डाली एवरेज ठोके, पर इंटीरियर यार मारी लाख है, साफ करो वो, हां इंटीरियर साफ करो ये छे, बड़ा वो प्रीमियम इंटीरियर छे टॉप में, अभी तो बज चुके हैं कुछ 3:15 एंड अभी हम लोग आए हैं इधर एक मोबाइल का कवर लेने के लिए। सो गाइज अपन ने यहाँ से एक फ़ोन का कवर ले लिया, अभी चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि अभी तो कोई काम है नहीं। और आप लोगों को ओवरऑल अभी मेरा एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, लाइक टर्बो वेरियंट जो हमने ट्राई किया अभी, उसका आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस भी मैं अपना शेयर करता हूँ, लाइक क्या डिफरेंस लगा मेरे को नॉर्मल से टर्बो वेरिएंट में वरना में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है पावर और ये सब में भी। मैंने सब कुछ चला के देखा, सब कुछ फील किया, तभी आप लोगों के साथ मेरा जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है वही मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात ना आए, कि आप लोग कुछ वो ना करें, आप लोग कंफ्यूज ना होए अपनी वीडियो देख के। तो अभी चलते हैं पहले घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से अपने को लगेगा एक घंटा तो डेफिनेटली लग ही जाएगा। हम लोग तो ह्यूंडई से और सब कुछ चेक करके निकल आए हैं, बट हाँ अभी मैं आप लोगों को मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो कि ह्यूंडई वरना टर्बो मैनुअल जो मैंने टेस्ट राइड ली, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन था इसको टेस्ट राइड लेने का, बट टेस्ट राइड ले नहीं पाया, क्योंकि अपने नवसारी टाउन में तो है ही नहीं टर्बो वेरिएंट टेस्ट राइड के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना सूरत ही चलते हैं आज, क्योंकि काम से गए भी थे हम लोग,
अबे साली बंद हो ना, इसको बंद करना पड़ेगा। अभी हो गई। सो ऐसा कुछ सीन है गाइस, तो मैंने टेस्ट वाइड तो ले ली है एंड काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वो भी मैनुअल वेरिएंट में, क्योंकि मैनुअल में भी मेरे को लगा पावर वो इनसेन है गाइस, एक नंबर, क्योंकि 160 bhp को क्या ही बोले हम लोग, क्योंकि आप लोग लग्जरी हाई एंड कार में भी ले लो, उसमें आप लोगों को 160-170 तक का पावर मिलता है, और इसमें हम लोगों को वरना में टर्बो वेरिएंट में ही मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात रहती है। बट हाँ, मेरे को काफ़ी पसंद आई, और पावर वाइज तो एक नंबर है ही, और पावर में तो हम लोग इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, इसी 160 bhp हो तो, क्योंकि काफ़ी तगड़ा पावर है गाइस मैनुअल में एंड ऑटोमेटिक में भी। बट हाँ, आप लोग प्लान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक के लिए ही जाना, मैनुअल एसएच मेरे को इतनी प्रैक्टिकल नहीं लगती है, क्योंकि पावर चाहिए तो ऑटोमेटिक में भी आप लोगों को पैडल शिफ्टर ये सभी के मज़े मिल जाते हैं। और अभी वरना वालों ने, ह्यूंडई वालों ने एक्चुअली एक अच्छा काम किया कि ऑटोमेटिक वेरियंट में अभी सभी वेरियंट के अंदर ही पैडल शिफ्टर आप लोगों को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जो भी ड्राइव एंथुजियास्ट होता है उसको तो पैडल शिफ्टर ये सब चाहिए ही चाहिए, ऑटोमेटिक वेरियंट वो लोग लेना चाहते हो। तो ओवरऑल बात करें मेरा एक्सपीरियंस की, टर्बो वेरियंट मैंने मैनुअल चलाया एंड काफ़ी ज़्यादा पावर था गाइस, मेरे को कंपेरेटिव डीजल जितना पावर लगा, कि जैसे हम लोग छोड़ते तो पेट्रोल है इसीलिए इंस्टेंट पिकअप ले लेता है, बट लॉन्ग रन में कितना पावर प्रोड्यूस करता है वो तो हम लोग नहीं चेक कर पाए, बट इन फ्यूचर किसी ने ली अपने जान पहचान वाले ने तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, या फिर शोरूम से बात करते एक बार तो हम लोग डेफिनेटली चेक करेंगे ही करेंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा मस्त रहा। अभी तो अपना सभी काम भी ख़त्म हो चुका है, यहाँ से है अपना घर अराउंड 50 kilometers, तो चलते हैं अभी घर की तरफ। एंड गर्मी भी ऐसे जितनी ज़्यादा है कि क्या ही अभी कुछ व्लॉग करने लायक है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर लूँ। एंड हाँ गाइस, अपना जो मैनुअल में है टर्बो वेरिएंट वो आपका कुछ अराउंड 17 में रेडी हो जाता है, 17-18 तक जाता है मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में अपना 20 तक चला जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक में आप लोगों को डेफिनेटली पूरा ट्रांसमिशन ही अलग मिलता है, तो प्राइस तो 2-2.5 lakh रुपये ज़्यादा होगी ही होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, साइनिंग ऑफ वेंडरिंग लायन, एंड कुछ नए नए टिप्स मेरे को दो ताकि मैं इसके ऊपर और भी कंटेंट बना पाऊँ, एंड कुछ रोड ट्रिप के लिए भी प्लान करते हैं, उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।